पहले से ही पता था कि मेरा आइडिया काम करेगा। Yes. मारिया तू मुझे मार रही किसका था? लेकिन अमल तो मैंने किया था ना। बहुत सारी चीजों पे अमल किया तूने बेटा, बहुत सारी चीजों पे। छोटू 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 कितनी सारी गालियां दी और किताब को तो यूं फेंका। पट करके कैसे फेंका? एक सेकंड गाइस, उसको आज माफ कर दो, कितना मारोगे? वैसे गाइस, ऐसे लग रहा है कि जी शादी हो रही। यस देखा, हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। अब देखना, हम तुम्हारी शादी का मुहूर्त निकालेंगे। लेकिन गुरुजी, देखना कि आज शाम को कोई गड़बड़ ना हो। अवश्य तेरी नहीं होगी। लोखंडे जी, आई एम कमिंग। अंगूर दो, जूस दो। नींद आ रही है ना? नहीं बहन जी, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। भाग्यवान। अच्छा अच्छा पूछो। ये गैंटन जी की जीभ जो है वो क्यों फड़फड़ा रही है? किसी देवता ऋषि मुनि से बात कर रहे होंगे। ज्यादा फुटेज नहीं खा रही है? हाँ, लेकिन खाने दो ना भाई। क्या खाने दो? अरे देखो ना, वैसे भी फिल्म में तो इसको कभी मिलने वाली है नहीं, और ना ही कोई इसको काम देगा फिल्म में। तो इधर 5-7 मिनट अगर ज्यादा खाता है ना तो खाने दो। लेकिन भाई आपका ना ये 7 जन्म का रिश्ता पक्का करके रहेगा, देखना। क्या? अच्छा सॉरी, कुछ कर रहा है? जी जी जी, चुप बैठो। सारे ग्रहों और नक्षत्रों को मद्देनजर रखते हुए ये ज्ञानचंद इस नतीजे पे पहुंचा है कि जय और जया बेटी के विवाह की तिथि आपकी उपस्थिति में और इस परिस्थिति में हम सुनिश्चित कर रहे हैं। जया बेटी, तनिक यहां आओ। जय बेटी। हमने तुम्हारे विवाह की तिथि सुनिश्चित कर दी है, देखो।
हाँ बापूजी, आप सच में अंतर्यामी हो। उठो बेटी, उठो। बाबा, मैं हमेशा चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनने के बाद ही अपनी शादी करूं। और ज्ञानचंद जी ने मेरे मन की बात सुन ली और एकदम सही डेट चुनी है। अब मैं अपनी पढ़ाई बिना किसी टेंशन के पूरी कर सकती हूँ। सुनो, ये तो एक दिन बाद की डेट निकालने वाला था। जया एक दिन के बाद डॉक्टर कैसे बनेगी? सॉरी, नहीं, सही सवाल पूछा आपने पहली बार। अच्छा, इस सवाल का जवाब तो मैं भी जानना चाहता हूँ। एक दिन में कैसे होगा ये सब? गेंजन जी, जी ये कैसे तारीख निकाली आपने? लोखंडे जी, हमें पता है कि आप अचंभित हो गए होंगे कि हमने कल की तिथि निकाल दी विवाह की, परंतु आप निश्चिंत रहें, सारी व्यवस्था हो जाएगी। नहीं, लेकिन ये कल की तारीख नहीं है ना? लोखंडे जी, ये कल की ही तारीख है। नहीं, ये कल की तारीख नहीं है। आहा, ये क्या? जय बेटा, वहां से क्या बातों को तोल मोल कर रहे हो, यहाँ के बताओ हमसे क्या बात है। ये कल की तारीख है। बाबा, ये हाँ बेटे, कल की तो तारीख है ये, 22 मई 2018। हमें पता है हमारी लिखाई उतनी सुंदर नहीं, परंतु तारीख तो सही है यार। चाचा जी, हमारे लिए 22 मई 2018 है, जया के लिए 2012 है। जया की याददाश्त जाने के बाद वो 2012 में जी रही है। बहुत समझ में आई। 6 साल बाद की डेट आपने लिखी है हमारी शादी के लिए। चाचा जी ने क्या? गेंजे जी, क्या किया? लोखंडे जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। आप तो जानते हैं कि हमें झूठ बोलने की आदत ही नहीं है। हाँ, ये भी सही है, आप तो सत्य पुरुष है, आप अपनी जगह सही है, हमारा ही तकदीर है। चल। अरे रे, देखो बेटा, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है ना, है कि नहीं? इसीलिए वो फल तू खाएगा। नहीं। हाँ काका, हाँ वो सांप पकड़ने का औजार ले लिया मैंने, 2 मिनट में पहुंचता हूँ, बस 2 मिनट में काका। हाँ दीपक। यस। अरे दीपक। यस। क्या कर रहा है तू? शांत रहो। दीपक आत्माओं को बुला रहा है, उनका माप लेने। क्या माप लेने के लिए? मतलब? बताती हूँ। दीपक को एक हॉरर फिल्म में टेलर का रोल मिला है, जो आत्माओं के च, 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 कपड़े सीता है, तो वो आत्माओं को बुला रहा है उनका माप लेने। क्या कुछ भी माँ जी, ये आपको उल्लू बना रहा है, कोई प्रेत आत्मा कपड़े थोड़ी ना पहनती है, ये कहाँ से माप लेगा? Young chum, 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 young
तम लास्ति यहम सख अलावस्ताला अल हबीबी खरक्सते निला अलु कोफ्ता यक्ता बैगन के भारत शाशा वक्सुम बक्त ओम भट भट छट पट देखा कितनी लंबी लंबी फेंक रही है ए Translation yahama yaham ai ao a ting 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 hey deepak wayo कार्नल कपले और उसका कालर है नंदिनी तुम्हारी तस्वीर पे हार चढ़ाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कल तुम्हारा जन्मदिन है और ये तुम्हारे पसंदीदा फूलों का हार है जिनकी खुशबू तुम्हें बहुत अच्छी लगती है लव यू डार्लिंग ये वाह आज फिर मैं लेट हो गई अभी पीसी अंकल और भाई सोच रहे ले होंगे कि मैं इतना लेट क्यों आने लग गई किधर रह गई ली हूं मैं मेरे को कैसे पता पापा माजी पागल माजी माजी इतनी पागल हो गया भागो भागो माजी चल निकल कितन चाला है सुतिया दीपक ऐसे ऐसे बच्चों की आवाज निकाल कर मुझे डराने की कोशिश मत कर तो वही बच्चों जिसको तूने बड़ा नहीं होने दिया मैंने क्या किया तूने तूने बचपन में मेले कपड़े पार दिए क्या मा 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 तूने कपड़े पार दिए थे नहीं जिसकी वजह से मैं शलम के माले तालाब में कूद गया सुधाकर नहीं नहीं ये और डूब के मल गया अब पैताना मैं तेरा बचपन का दोस्त कोटिया
गुटिया? हाँ कौन गुटिया? तू मुझे नहीं पहचानता? देख रो रहा है। क्यों नहीं पहचानता? लेकिन मैं तुझे पहचानता हूँ, मैं नहीं भूला। अब देख, अब मैं तेले कपड़े फालूंगा और फिर तू तलम के माले तलाब में कूद जाएगा। फिर मैं अंदर से तेली टांग खींचूंगा, फिर उसके बाद मतलब तू नीचे गया और नीचे जाके मर गया। आगे बोल। फिर तेली हवा निकल जाएगी। अब तो देखना, तेले मलने के बाद मैं और तू दोनों दोस्त गोतिया और सोतिया तालाब के किनारे लुक्का टिप्पी खेलेंगे। मतलब हाइड एंड सीक? नहीं नहीं, वो कुछ और ही बोला। लुका छुपी, लुका छुपी, लुका छुपी, लुका छुपी। नहीं समझ में आया? बताती हूँ, बताती हूँ। अरे समझ गया माजी, समझ गया, लेकिन बोला कौन? सोतिया। तल 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 ता 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 तल 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 उसी तालाब के किनारे जहाँ पे मैं मला था। तल तल बेटा, तल मेरे साथ। मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़। माजी माजी बचाओ ना, माजी माजी माजी। अरे फिकर मत कर, तू जा, मैं लोखंडे जी को बोल दूँगी। अरे छोड़ छोड़, काका बचाओ, काका काका बचाओ। अरे काहे का टका, हट चल। बाय बाय सुधाकर। बाय काका, ए काका बचाओ, ए काका, ए काका, ए काका, चल। बाबा बाबा बोल। बाबा मेरे को पहचाना नहीं? मैं उर्मिला, मैं अपनी माँ के साथ आपके आश्रम में आई थी, उनको सरदर्द का बहुत प्रॉब्लम था, याद आया? हाँ याद आ गया। अब कैसी है तुम्हारी माँ? बाबा क्या बताऊँ, इतने सारे डॉक्टर को दिखाया था ना, दिमाग की दही हो गई थी, पर वो ठीक ही नहीं हो रही थी। फिर जैसे ही मैं आपके आश्रम में लेकर आई ना उनको, तब बीच पता चल गया कि माँ को ना साइनस की प्रॉब्लम है, और उनका इलाज भी हो गया बाबा, अब वो ठीक है। मैंने तो वो कहा जो तुम्हारी माँ की भाग्य में लिखा था, उनको अच्छा होना ही था। उनको आश्रम में ले आना बेटी। जी बाबा। वैसे बाबा बाबा आप इधर कैसे? मेरा मतलब है आप आश्रम से बाहर नहीं निकलते ना बाबा? वो मेरा सांप गुम हो गया है यहीं कहीं। सांप? हाँ। या कोई है, कोई है, जरूर कोई है। कौन बाबा? वो यही कही है। हाँ? जरूर कही है, यहाँ उसकी खुशबू आ रही है। कौन बाबा, किसकी खुशबू आ रही है आपको? वो यही कही है, उसी की खुशबू है, उसी की खुशबू है ये। किसकी बाबा? बहुत पहले वो शरीर त्याग चुकी है, अब वो उस पार से इस पार आई है, उसी की खुशबू है। वो कुछ कह रही है। हाँ? वो कुछ कह रही है, सुनो, वो कुछ कह रही है, वो कुछ कह रही है। वो कुछ कह रही है, वो कुछ कह रही है। वो कह रही है कि तुमने कुछ वादे किए थे मुझसे, उस वादों का हिसाब लेने आई है वो। झूठ का सिलसिला बंद करो, सच्चाई को उजागर करो, सच्चाई को उजागर करो, सच्चाई को उजागर करो, सच्चाई को उजागर करो, स-
सच्चाई को उजागर करो। ए, 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 रुक रुक जाओ, मैं कहता हूँ, मेरी आज्ञा है, रुक जाओ, रुक जाओ। बाबा बाबा आप क्या बोल रहे हैं? सच्चाई को उजागर करो, किसके बारे में कह रहे हैं? कौन सी सच्चाई, क्या उजागर? कुछ प्रश्नों के उत्तर उचित समय में ही दिए जाते हैं जी। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है बेटी। मेरे साथ? हाँ? मेरे साथ तुम जाओ, जाओ, जाओ बेटी, जाओ, जाओ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.